हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ जो बचे हुए इडली के साथ उपमा कैसे बनाते, चलिए देखेंगे कैसे बनाना। पहले एक कढ़ाई ली, इसमें हम 2 स्पून ऑयल डालेंगे, इसको अच्छे से हीट होने देंगे। 1 स्पून राई, 1 स्पून जीरा, 1 स्पून उड़द दाल। इसको अच्छे से भून लेते हैं। तो हम डालेंगे इसमें 3 हरी मिर्च कटे हुए और 1 ऑनियन, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें डालेंगे भून के रखे हुए मूंगफली 2 स्पून, थोड़ी सी कड़ी पत्ता, तो अच्छे से भूनेंगे। साथ में हम एक कैरेट काट के रखी हूँ बारीक, इसको भी ऐड कर लेते हैं। और 1 कप मटर, इसमें हल्का सा बॉईल करके रखती हूँ, तो भी ऐड कर लेंगे। तो सारी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, हल्का सा भून ली मैंने, ऑनियन ज़्यादा भूनना नहीं है, ब्राउन नहीं होना। इसमें 1 कटा हुआ टमाटर, साथ में 1 स्पून हल्दी और स्वाद अनुसार नमक, तो अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, अच्छे से भून ली मैंने टमाटर को भी। इसमें डालेंगे इडली, जो इसको मैंने तो मैश करके रखी है, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे मैजिक मसाला, इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अच्छे से मिला ली मैंने, इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया। बन गया इडली उपमा, क्या सॉफ्ट कर लेते, सर्विंग प्लेट में निकाल लें। देखिए, सर्विंग प्लेट में निकाल ली, ये कितना सुंदर दिख क्या रहा है। एकदम सिंपल रेसिपी है, अगर आपको इडली रोज खा के बोर हो गए, अगर बच भी गया तो आप ऐसा बना के खाइए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। अगर गेस्ट को आए तो ऐसे बना के खिलाइए, वो लोग बोलेंगे कितना अच्छा बनाया करके। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।